नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल। आज गुड़गांव में इनेलो की बैठक होनी थी जिसमें कई अहम फैसले लिए जाने थे, लेकिन बैठक बेनतीजा रही है। वहीं परिवार के बीच में मामला सुलझता नहीं उलझता नजर आ रहा है। इसी के साथ खास बात यह रही कि कार्यकारिणी की बैठक में दुष्यंत और दिग्विजय सिंह चौटाला के मंच पे कोई चित्र दिखाई नहीं दिया। वहीं इनेलो प्रदेश कार्यकारिणी की गोहाना रैली में अनुशासनहीनता करने वालों के विरुद्ध कार्रवाई के लिए अनुशासन समिति की रिपोर्ट मांगी गई है। पूर्व मुख्यमंत्री व इनेलो सुप्रीमो ने अनुशासन समिति को यह मामला सौंपने के लिए कहा कि 25 अक्टूबर तक रिपोर्ट सौंपने को भी कहा गया है। गुड़गांव के अंदर ही आपको बता दें कि प्रदेश की राजनीति में खासकर इंडियन नेशनल लोकदल के लिए आज का दिन अहम था और यह चौटाला परिवार की कलह और इनेलो के बीच में पैदा हुए विवाद को निर्णायक साबित कर सकता था। गुरुग्राम के अंदर इनेलो की प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक शुरू हो चुकी थी। जेल वापस जाने से पहले इनेलो सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला पार्टी के मर्ज को एक बड़ा फैसला दे सकते थे। चौटाला की सर्जरी पार्टी की कितना दुरुस्त हुई यह साबित हो सकता था। खैर, ये तो समय ही बताएगा, लेकिन आशंका अब कलह बढ़ने की है। बैठक में दुष्यंत चौटाला और दिग्विजय सिंह चौटाला के मामले में बड़ा फैसला होने वाला था, लेकिन बैठक जो थी बेनतीजा हुई। समय से ही बैठक में इनेलो प्रधान ओम प्रकाश चौटाला, हरियाणा विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष अभय सिंह चौटाला, इनेलो के प्रदेश प्रधान डॉक्टर अशोक अरोड़ा सहित अनेक वरिष्ठ पदाधिकारी व नेता मौजूद थे और समय पर पहुँच चुके थे। वहीं चर्चा थी कि ओम प्रकाश चौटाला बैठक में दुष्यंत चौटाला और दिग्विजय सिंह चौटाला को लेकर के कड़ा फैसला ले सकते हैं। इसके साथ ही पार्टी की कमान पूरी तरीके से अभय सिंह चौटाला को सौंपने का ऐलान भी किया जा सकता है, क्योंकि चौटाला ने इनेलो में चाचा अभय सिंह चौटाला और भतीजों दुष्यंत और दिग्विजय सिंह चौटाला के विवाद को मद्देनजर रखते हुए इनेलो की कार्यकारिणी की आपात बैठक बुलाई थी। बुधवार को चौटाला ने पोतों सांसद दुष्यंत चौटाला और दिग्विजय सिंह चौटाला ने मुलाकात के बाद यह बैठक बुलाई थी। दादा और पोतों के बीच में बातचीत उस समय बेनतीजा रही थी। बताया जा रहा था कि दुष्यंत व दिग्विजय सिंह चौटाला द्वारा पिछले दिनों जारी नोटिसों के लिए जवाब पर कार्यकारिणी की बैठक में चर्चा हो रही है। वहीं अखबारों और टीवी चैनलों में ये चर्चा थी कि आज बड़ा फैसला हो सकता है। गुरुग्राम की इनेलो की कार्यकारिणी की बैठक में खास फैसला लिया जा सकता है, लेकिन कोई बड़ा फैसला नहीं आया। चाचा अभय सिंह चौटाला और भतीजा दुष्यंत चौटाला के विवाद को देखते हुए फैसला होना था। अब आगे क्या होता है ये समय के गर्भ में है। हम आपको हर अपडेट बताते रहेंगे INLD के बारे में। बस आप देखते रहिए पल पल की ये खास रिपोर्ट। और उसके साथ साथ 3 तारीख को जो मीटिंग हुई थी 3 अक्टूबर को, उस मीटिंग के अंदर जो जिम्मेदारी चौटाला साहब ने हम और आप सबको दी थी, खास करके घुवाणा की रैली को कैसे ज्यादा बड़ी संख्या में लोगों को निमंत्रण दिया जा सके, हमारे पास समय कम था, लेकिन उसके बावजूद भी आप और हम सब ने मिलकर के जहां एक एक व्यक्ति को निमंत्रण दिया, नमदा दिया, वहीं लाखों की संख्या में लोगों को लेकर के चौधरी देवदास जी के प्रति जनता का समर्थित कर रहे थे। वही इस बात पर बहुत निर्भर थी कि आने वाले समय में इस प्रदेश के अंदर इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी और बहुजन समाज पार्टी की सरकार। साथियों,
आज जिस किस्म के प्रदेश के हालात हैं, अशोक अरोड़ा जी ने बहुत खुल करके आपके सामने चर्चा की। मुझे याद है इंडियन नेशनल मूवमेंट पार्टी को कमजोर करने के लिए कांग्रेस ने अपनी तरफ से अनेक बार षड्यंत्र रचे, और जब तिराना साहब को भाई को देव सिंह बरसामी जी को एक षड्यंत्र के तहत साहब की सजा कराई थी, तो इन कांग्रेस के लोगों ने लड्डू बांटे थे और उन्होंने बयान दिए थे कि अब इंडियन नेशनल लोकल पार्टी बिछड़ जाएगी, टूट जाएगी, अब इस पार्टी का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। और जिस दिन सजा हुई थी उस दिन पार्टी के सारे कार्यकर्ता, पार्टी के पदाधिकारी बड़े मायूस थे। हम सब 18 दिन तक इकट्ठा हुए और वहां पे जब इकट्ठा हुए थे तो पार्टी के सारे सीनियर साथियों ने बैठ करके फैसला लिया कि हमें प्रदेश की जनता के बीच में जाना चाहिए और इस कांग्रेस पार्टी के षड्यंत्र की कोर करनी चाहिए। उसी दिन तय हो गया था कि इसकी शुरुआत हम जींद से करेंगे, और हमने जींद के पार्टी के पदाधिकारियों से कहा कि इस दिन जींद में लोगों से आकर के मिलेंगे, प्रदेश के कार्यकर्ताओं से, जिला के कार्यकर्ताओं से मिल करके अगली रणनीति कैसी हो उसके लिए बातचीत करेंगे। हमने बुलाई तो थी वहां कार्यकर्ताओं की मीटिंग, लेकिन 20,000 से ज्यादा लोगों का हजूम इकट्ठे हुआ। लोगों ने, यहां कांग्रेस ही तो इस बात का लड्डू बांट रहा था कि हम कहीं अपने मिशन में सक्सेस हो गए, वहीं लोगों ने इतना बड़ा गुस्सा जाहिर किया कि बिना किसी को निमंत्रण के, बिना किसी को किसी साधन के, बिना किसी का कोई मैसेज के केवल कार्यकर्ताओं की मीटिंग का आयोजन किया गया, तो उसमें हजारों की संख्या में लोगों ने तब्दील होने का काम किया। और उस वक्त के अंदर पूरे प्रदेश में जब हम लोग गए तो पूरे प्रदेश के कार्यकर्ताओं ने, लोगों ने बड़ी ताकत के साथ इस बात पे मोहर लगाई कि इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के कार्यकर्ता को कोई कमजोर नहीं कर सकता, तोड़ नहीं सकता। और उसी का नतीजा है कि लगातार आप और हमने मिलकर के जहां भी प्रदेश की सरकार ने कोई गलत निर्णय किए, चाहे वो प्रदेश के अंदर बिजली के बिलों की बढ़ोतरी की गई, चाहे हरियाणा प्रदेश के खिलाड़ियों की अनदेखी की गई, और चाहे वो हरियाणा प्रदेश के व्यापारी को कमजोर करने की कोशिश की गई, चाहे किसान की खरीद नमी के नाम पे उसकी जेब काटी गई, चाहे किसान के जबरदस्ती 500-500 रुपए एकड़ के हिसाब से फसल बीमा योजना के नाम से निकाले गए, और चाहे वो एसवाईएल का इश्यू था जिसमें सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा फैसला आने के बाद भी सरकार उस फैसले को लागू करने की बजाय टाल रही थी, आप लोगों ने पार्टी के हर प्रोग्राम को बड़ी मजबूती के साथ आगे बढ़ाने का काम किया, सरकार को हर जगह पे मजबूत करने में आपने बड़ी भूमिका निभाने का काम भी किया। अब नए सिरे से वाणा की रैली के अंदर हमने लोगों से ये बात पूछी थी कि एसवाईएल का जो इश्यू है, जिसको हम पिछले 18 महीने से 19 महीने से लगातार जोरदार ढंग से लड़ने का काम कर रहे हैं, हरियाणा प्रदेश के किसान की वो जीवन रेखा बने और प्रदेश के किसान को उसके खेत में पूरा पानी मिले, उसके खेत की पैदावार बढ़े, सुप्रीम कोर्ट का फैसला लागू हो, इसके लिए जिस ढंग से हमने 5-6 चरणों में लड़ाई लड़ी थी और हर चरण के अंदर जब जब हमने उस आंदोलन को चलाया, हमारे साथ जब पार्टी का कार्यकर्ता अपनी पूरी ताकत लगा रहा था, वहीं उसके साथ साथ आम जनमानस भी आपकी उस आंदोलन का हिस्सा बनकर के हरियाणा प्रदेश की सरकार पर दबाव डाल रहा था। मैंने वहां लोगों से पूछा था
कि क्या हमें अजमेर की इस लड़ाई को आगे बढ़ाने के लिए क्या नया आंदोलन खड़ा करना चाहिए। तो उसके लिए लाखों लोगों ने हाथ खड़े करके कहा था कि हमें इस इश्यू के ऊपर हरियाणा प्रदेश की सरकार को, केंद्र की सरकार को मजबूत करना चाहिए और किसान के जीवन रेखा ऐसा का निर्माण करवाना चाहिए जो चौधरी करना था। और चौधरी जिंदाल ने हमेशा किसानों को आगे बढ़ाने के लिए बड़े से बड़े पदों को विचारने का काम किया था। आज तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला हमारे हक में है, इसलिए हमें इस लड़ाई को आगे नए सिरे से शुरू करने के लिए वहां 1 नवंबर की तारीख का फैसला लिया गया था कि 1 नवंबर से नए सिरे से इस आंदोलन को शुरू किया जाए। आपको 1 नवंबर को कुरुक्षेत्र की धरती से हम फिर नए सिरे से इसकी शुरुआत करेंगे। आपसे एक तो निवेदन है कि आप 1 तारीख को सारे आसपास के समय उस आंदोलन को चलाने के लिए जो कार्यक्रम आगे का तय किया जाएगा उसको कैसे आगे चलाया जाए, इसलिए आप 1 नवंबर को सारे कुरुक्षेत्र की तरह पे आए ताकि हम उस आंदोलन को देश देश से बहुत अच्छे ढंग से बढ़ा करके चला सके। और उस आंदोलन को केवल हम कुरुक्षेत्र से शुरू करके वहीं खत्म नहीं करेंगे जैसे कांग्रेस के लोग छोटी मोटी अपनी यात्रा शुरू करते हैं और हर तीसरे दिन उस पर ब्रेक करके कई अखबार की सुर्खियां बटोरने का काम करते हैं। हम तो लगातार जब तक हरियाणा प्रदेश के किसान को SYLM का पानी नहीं मिल जाएगा हम लोगों के बीच में जाएंगे। एक एक विधानसभा क्षेत्र के 3-3 बड़े गांव में लोगों से मिल करके और लोगों में जागृति पैदा करेंगे। 90 के 90 विधानसभा क्षेत्रों के कार्यक्रम बना करके आपको दे देंगे। मैं उम्मीद करूंगा कि पार्टी का हर पदाधिकारी जो कार्यक्रम उन तक पहुंचाया जाएगा उस कार्यक्रम को अच्छे ढंग से सफल बनाने में अपनी एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी निभाने का काम करेगा। आज तो फिर आप सब लोग जो है पिताला साहब का दिशा और निर्देश लेने के लिए आए हैं। मैं आपके और पिताला साहब के बीच में ज्यादा देर ना रुक करके क्योंकि आपने हमने तो अब इसके बाद पिताला साहब के आज जेल जाने के बाद फिर नए सिरे से किस तरह से अगली लड़ाई लड़ी जाए, किस तरह की न्याय की लड़ाई को लड़कर के हरियाणा प्रदेश के लोगों के साथ न्याय किया जा सके, इसके लिए हम तो रोज आपस में मिलते रहेंगे। लगातार आपस में बैठ करके पार्टी के संगठन को मजबूत करने के लिए, पार्टी की ताकत को बढ़ाने के लिए मिलजुल करके काम करेंगे। आज तो पिताला साहब को सुन्यायोग का दिशा निर्देश देने गए, उसके लिए आप मैं अपनी भाई अपनी बातों को एक विराम देता हूँ। आपने मेरी बात सुनी, आप सबका बहुत धन्यवाद।